गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्क्लेरेनकाइमेटिक इशू की, और उसके साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने एड्रेस किया हुआ था, एंड दैट क्वेश्चन आर टू बी नोटेड बाय यू इन योर कॉपीज। ठीक है, आप वीडियो देखिए, वीडियो के बाद आपके पास इतने मटेरियल हैं कि आप इजली नोट्स बना सकते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चनार्स आपसे पूछे जाते हैं, आपको दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस भी कर देते हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा, ये जो आपका जो सिंपल परमानेंट इशू है ये कंप्लीट हो, ठीक है। हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं तीनों टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट इशू। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा तीनों, उसमें एक आपका है बेटा पैरेन्काइमा, ठीक है, और दूसरा आपका है कोलेनकाइमा, तीसरा क्या है स्क्लेरेनकाइमा। तो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ था कि आप क्या करिए कि इन तीनों जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं इनको आप कंपेयर करिए। तो आई होप आपने कंपेयर किया होगा, तो एक बार हम थोड़ा सा इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर भी बेटा वी हैव व्हाट इज द शेप, व्हाट अबाउट द शेप ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा ओवल राउंडेड और पॉलीगोनल, दीज शेप्स कैन बी दे हैव, कोलेनकाइमा एलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, सेल्स क्या होंगे, लंबे होंगे, और उनकी एंड्स जो है वो क्या होंगे बेटा, दैट विल बी पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब ये, दिस इज द पॉइंटेड एंड। देन वी हैव व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स, तो योर पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग। ये चीजें आपको याद रखनी होगी कि जो पैरेन्काइमा सेल्स है, कहीं पर भी अगर पैरेन्काइमा वर्ड आ गया, चाहे वो जाइलम में आए चाहे वो फ्लोएम में आए, आगे आपको मिलेगा, तो दैट इज लिविंग, इट इज ऑलवेज लिविंग, दे आर थिन वॉल्ड, ठीक है, उनका जो सेल वॉल है वो क्या है, थिन है, और इसलिए आपको याद होगा कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है बेटा, दे आर फाउंड इन द सॉफ्टर रीजन्स, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर रीजन्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पे आपके ये पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ठीक है। कोलेनकाइमा की बात करें तो थिक वॉल्ड है, और ये भी लिविंग होते हैं कोलेनकाइमा भी, और स्क्लेरेनकाइमा दे आर थिक वॉल्ड बट दे आर डेड सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका परमानेंट टिश्यू है उसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है कौन कौन से सेल्स हैं जो लिविंग और कौन डेड हैं, तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग है, और स्क्लेरेनकाइमा आपके डेड सेल्स हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेल वॉल की हम बात करें तो पैरेन्काइमा ओनली ऑफ सेल्यूलोज, केवल सेल्यूलोज का बना होता है उनके सेल वॉल पैरेन्काइमा सेल्स के। कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं दे आर पेक्टिनाइड, पेक्टिन भी एक तरह का मटेरियल, जैसे लिग्निन है उसी तरह से आपका पेक्टिन भी एक तरह का मटेरियल है। तो कोलेनकाइमा टिश्यू आर मेड अप ऑफ योर पेक्टिन, एंड स्क्लेरेनकाइमा जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लिग्निन एक हार्ड कंपाउंड होता है, उसकी वजह से हार्डनेस आती है, स्टिफनेस आती है आपके प्लांट में, जो जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल लिग्निन के बने हैं, और वो सेल्स बनाते हैं टिश्यू, तो आपका जो टिश्यू होगा स्क्लेरेनकाइमा वो क्या होगा, टफ होगा। ऑक्रेंस की हम बात करें तो बेटा योर सिंपल ये योर पैरेन्काइमा फाउंड इन सॉफ्टर टिश्यूज, ठीक है, और आपका कोलेनकाइमा लीफ स्टाइल, ठीक है, या बिल्कुल जो एपेक्स होगा आपके स्टेम के वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एंड स्क्लेरेनकाइमा दे फॉर्म द हस्क ऑफ कोकोनट कवरिंग ऑफ सीड एंड नट, तो जो टफ पार्ट्स होते हैं वो आपके स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बनाते हैं। फंक्शन की बात करें, सपोर्ट एंड पैकिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू का मतलब फूड स्टोरेज, पैकिंग मीन्स फूड स्टोरेज, ओके, सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेसिकली आपको पता है कि सारे जो टिश्यू हैं प्लांट के, उनका मेन जो फंक्शन होता है दैट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि उसमें उनकी बॉडी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है जितने की एनिमल्स की होती है, ह्यूमन बींग्स की होती है। तो डिविजन ऑफ लेबर है, बट बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं डिविजन ऑफ लेबर है, ठीक है। और आपके कोलेनकाइमा बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस योर कोलेनकाइमा टिश्यूज। और स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट टू रेजिस्ट स्ट्रेन, अगर हम किसी भी प्लांट को ब्रेक कर रहे हैं तो इजिली हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो
आज हम बात करने वाले हैं बेटा एपिडर्मिस की, ठीक है। ये भी एक तरह का जो है पार्ट है आपके प्लांट का। जैसे आप अपने लिए आप देखिए जो आपका स्किन है उसका क्या फंक्शन है, जो आपकी बॉडी की जो स्किन है वो उसका क्या फंक्शन है। तो आपकी जो स्किन है उसका मेन जो फंक्शन होता है ना, प्रोटेक्शन, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो इन्वायरमेंट है, जो धूप है, ठीक है, जो पानी है, और भी चीज़ें हैं जिनको वो रेजिस्ट कर सकता है। तो इस तरह चीज़ें, इन सारी चीज़ों से वो आपकी जो है प्रोटेक्शन करता है। सिमिलरली प्लांट्स में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का जो मेन फंक्शन क्या होगा बेटा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा। एपिडर्मिस क्या है? इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑन इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट। प्लांट के पूरे सरफेस पर जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये बेसिकली सिंगल लेयर सेल्स होते हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता। आप फिगर देखिए बेटा यहाँ पे, तो आप देखिए दीज आर द सेल, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज, दीज आर द सेल्स, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली मतलब देर इज नो स्पेस बिटवीन दम, गैप बिल्कुल भी नहीं है, एक के बाद एक बिल्कुल, ये क्या है बेटा, ज्वाइंट है, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको? प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो स्किन है वो क्या करती है कि जो बहुत ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसी तरह से एपिडर्मिस में भी हम आगे बात करेंगे कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, उनका और क्या फंक्शन है। तो बेटा इसमें आप देखिए इनका इम्पोर्टेंस ये है एपिडर्मल टिश्यू का, कि ये इंटरनल जो जो टिश्यू है वो मैकेनिकल इंजरी और जम्प से बचाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट पे होते हैं। तो जो अंदर के टिश्यूज हैं, ठीक है, प्लांट्स के अपर पार्ट हो गया वो एपिडर्मिस का है, एक लेयर सेल पूरा, ठीक है। उस उनका फंक्शन ये है कि जो अंदर के जो आपके सेल्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है बेटा, ठीक है, जैसे जो एपिडर्मल, अब यहाँ पे जो अंदर के जो सेल्स हैं, जो टिश्यू बनाए हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना? फ्रॉम इंजरी, मैकेनिकल एनर्जी। अगर कभी तेज हवा का झोंका आया या किसी ने इस पर हिट किया प्लांट को, उससे बचाना, और जो जम्स है उससे बचाना, ठीक है। क्योंकि ये जो जम्स से नहीं बचाएंगे, तो जम्स अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि जैसे हमको बीमारी होती है, उसी तरह आपके प्लांट भी क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये चीजें, इन चीजों से क्या करती है, जो आपके एपिडर्मल सेल्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके प्लांट्स को। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपर लेयर होता है, मतलब जो आपके एपिडर्मल टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, एक सब्सटेंस जो है सिक्रेट करते हैं, एंड दैट सब्सटेंस इज क्यूटिन। यहाँ पे देखिए अगर आप फिगर में, तो यहाँ पे एक आपको वर्ड मिलेगा, दैट इज क्यूटाइल, ठीक है। तो क्यूटाइल क्या है? इट इज अ लेयर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस सब्सटेंस, दैट इज क्यूटिन। क्यूटिन एक सब्सटेंस है, एक तरह का मटेरियल है जो सेल्स रिलीज करते हैं, और उनकी वजह से एक लेयर पूरी बन जाती है। देखिए पूरी पूरी एक लेयर बन गई सेल्स के ऊपर, एंड दिस लेयर इज नोन एज क्यूटाइल। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर का जो जो वाटर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करता है। जो क्यूटिन है ये क्या करता है? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्यूटाइल है, विच इज फॉर्म्ड बाय द क्यूटिन मटेरियल जो रिलीज हुआ है प्लांट ने, उसकी वजह जो एक लेयर बनी हुई है, इसको क्यूटाइल बोलते हैं। तो जो क्यूटाइल है ये जीरो फिटिक प्लांट्स में ज्यादा थिक होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों? तो पहले आप ये समझिए कि जीरो फिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। तो बेटा जीरो फिटिक मीन दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया, ऐसे रीजन में जहाँ पे वाटर की जो स्कैर्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है। तो जीरो फिटिक प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो उनमें अगर ये क्यूटाइल थिक होगा तो जो वाटर का लॉस हो क्या होगा, कम होगा। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, क्यूटाइल इज थिकर इन जीरो फिटिक प्लांट्स। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चनायर पे, और वही सारे क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, मैकेनिकल इंजरी और जम से प्रोटेक्ट करना, ठीक है।
क्यूटीन क्या है, उसका रोल क्या है बेटा? अभी हमने बताया क्यूटीन एक जो है वैक्सी सब्सटेंस है जो जो एपिडर्मल टिश्यू के सेल्स रिलीज करते हैं, और उसका रोल क्या होता है कि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। व्हाट डू मीन बाय क्यूटाइल? एक लेयर है, इट इज अ लेयर फॉर्म बाय द क्यूटीन, ठीक है। तो क्यूटाइल क्यों थिकर है जेरोफिटिक प्लांट्स में, अभी अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ है।